हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। इंग्लिश में बहुत नेसेसरी है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम अच्छी तरीके से समझें और फिर आंसर दें। ऐसा ना हो कि आप उस क्वेश्चन का कुछ और ही मतलब निकाल कर कुछ और ही आंसर दें। लोग समझेंगे कि इसने इंग्लिश तो सीखी है लेकिन आधी अधूरी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझकर सही आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, इसका मतलब है क्या तुम कुछ पीना चाहते हो। इसका आंसर हम कैसे देंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आई डिंट, इसका आंसर हो सकता है क्या। आई डिंट मतलब मैंने नहीं किया। तो यहाँ जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम कुछ पीना चाहते हो, तो यहाँ जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम कुछ पीना चाहते हो, तो क्या आप बोल सकते हैं कि मैंने नहीं किया। ये कुछ और ही जवाब हुआ, राइट। तो इसीलिए आई डिंट इज द रॉन्ग ऑप्शन हियर, तो इसे हम स्ट्राइक आउट कर देंगे। फिर है हमारे पास यस सम चिप्स। तो चिप्स हम पीते हैं क्या। तो जब पूछा गया है क्या तुम कुछ पीना चाहते हो और आप कहोगे यस सम चिप्स, तो ये गलत होगा। अगर पूछा जाए वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, तो आप कह सकते हैं यस सम चिप्स। लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रिंक के बारे में पूछा गया है, इसीलिए ये गलत ऑप्शन है। यस सम चिप्स यहाँ नहीं कहा जा सकता। फिर है कुड आई हैव सम वाटर, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि वाटर इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक, यू ड्रिंक वाटर। और आप क्वेश्चन के बदले पूछ सकते हैं कि हाँ, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ, या फिर आप पूछ सकते हैं यस सम वाटर प्लीज, या फिर कैन आई गेट अ जूस प्लीज, ऐसा कुछ आप इसके आंसर में पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन बी है, कुड आई हैव सम वाटर, इज द राइट ऑप्शन। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, कुड आई हैव सम वाटर, तो यहाँ पानी के लिए पूछा गया है। सिंपल था ना। ऐसे ही सिंपल तरीकों से इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।